चोला माय रंग दे रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं तिरंगा यात्रा में। तो तिरंगा यात्रा एक्चुअली हमारे गांव गाँव में अभी सभी जगह में देख रहा हूँ, जहाँ भी देख रहा हूँ तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो आज हमारे गांव का नंबर है भाई, तो आज हमारे गांव में भी हम सारे भाई मिलके एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि हम हर घर झंडा देंगे उनको, ताकि वो जो मोदी जी ने बोला है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहरेगा, तो उसके लिए हर घर तिरंगा होना ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। उसके बाद जाएंगे झंडा लेके। झंडा लेके कहाँ जाएगा? वंदे मातरम। तिरंगा यात्रा ख़त्म हो गई है, और तिरंगा यात्रा ख़त्म हुई है, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि हर घर तिरंगा लहराना है, तो मैं भी अपने घर पे तिरंगा लगा रहा हूँ यहाँ पे। सुबह फाइनली तिरंगा लगा दिया घर में, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कहीं ना कहीं हमारी घर की शोभा ही बढ़ गई है इससे। तो भाई तिरंगा तो लगा दिया है, लेकिन एक चीज़ एक मैसेज देना चाहता हूँ। वैसे पता तो आप लोगों को सबको ही है वो चीज़, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, कहते हैं ना रिवाइज़ करने से अच्छे से याद रहता है। तो वो ये है भाई कि जैसे तिरंगा लगा दिया हमने, आपने भी लगा दिया होगा, नहीं लगाया तो वो भी लगा लेना भाई, अभी टाइम है 15 अगस्त में आने में। तो चक्कर क्या है कि भाई तिरंगा तो लगा दिया, लेकिन बहुत सारे जगह मैंने देखता हूँ कि 15 अगस्त के बाद तिरंगा ज़मीन पे गिरा रहता है। तो एक तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ मुझे बहुत ही हर्ट करती है, और आपको भी कहीं ना कहीं करती होगी एज ए इंडियन। तो भाई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, 15 अगस्त के बाद झंडे ज़मीन पर नहीं गिरे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने नहीं गिराया तो मैं नहीं उठा रहा, भाई हमें ही ध्यान रखना है, किसी ने गिरा भी दिया तो हमें उसको उठाना है, और उसको मतलब क्या करना चाहिए ये तो मुझे भी एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसका करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, या तो उसको फाड़ देना चाहिए कोई कागज़ का है तो, ताकि पूरा कम्प्लीट तिरंगा किसी के पैर के नीचे ना आए और देश का अपमान ना हो। और दूसरी एक चीज़ और भी है दोस्तों, हमें अपने घर पे या कहीं पे भी, गाड़ी पे भी, गाड़ी पे तो वैसे अलाउड ही नहीं है हर लोगों के लिए, VVIP लोगों के लिए अलाउड होगा तिरंगा लगाना। तो हमें कोई भी फटा हुआ तिरंगा नहीं लगाना है, कोई भी गंदा गंदा हो चुका हो जो तिरंगा वो नहीं लगाना है। बस इसी मैसेज के साथ वीडियो को करते हैं अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हम तुम यात्री। जय हिंद, जय भारत।